क्लास टेंथ के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन परिवार का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम पूर्ण रूप से पाए जाने वाले फास्फोरस के विभिन्न प्रकार के अम्लों के अध्ययन का आज हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है इसको याद रखना है, सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल से टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, तो फास्फोरस दो श्रृंखलाओं में अपने अम्लों को बनाने का कार्य करता है, एक ऑक्सी एक ऑक्सो अम्ल के निर्माण का कार्य। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्ण रूप से फास्फोरस के अम्ल, सबसे पहले जो अम्ल पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑक्सी अम्ल। तो सबसे पहले इसके ऑक्सी अम्लों में सबसे पहला अम्ल पढ़ेंगे आर्थो फास्फोरस अम्ल या फास्फोनिक अम्ल। तो इसका अणुसूत्र होता है H3PO3 होता है। इसमें पूर्ण रूप से पाए जाने वाले फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था का मान पूर्ण रूप से कितना होता है, प्लस के 3 होता है। क्षारकता इसकी पूर्ण रूप से कितनी होती है, 2। क्षारकता कैसे निकालते हैं, जितने OH उपस्थित है उतनी पूर्ण रूप से पाई जाने वाली क्षारकता। देखो ये OH उपस्थित है ना, तो 2 OH उपस्थित है तो इसकी क्षारकता का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें पाया जाने वाला H उपस्थित है, इसलिए अब चार बॉन्ड को भी प्रदर्शित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। फास्फोरस की पाई जाने वाली इसमें ऑक्सीजन अवस्था का मान कितना होगा, प्लस के 3 होगा। इसको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। अगर आप इसको गर्म कर दोगे H3PO3 अर्थात फास्फोरस अम्ल को यदि आप गर्म करने का कार्य करते हो, तो इसके द्वारा आर्थो फास्फोरिक अम्ल से फास्फीन जो होती है वह हमें प्राप्त होने का क्या करती है, कार्य करती है। अगले में आ जाइए, दूसरे टॉपिक में आइए। दूसरा लिखा है भैया हाइपो फास्फोरस या फास्फोनिक अम्ल, इसका अणुसूत्र जो होता है H3PO2 होता है। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या का मान 5 होगा या 1 क्षारीय होगा। देखो इसमें एक OH उपस्थित है इसलिए 1 क्षारीय है, H उपस्थित है इसलिए आप चाय गुण को प्रदर्शित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, अगला है पायरो फास्फोरस या डाई फास्फोरस अम्ल। तो पायरो फास्फोरस या डाई फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H4P2O5। इसमें डाई फास्फोरिक अम्ल के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। यह पूर्ण रूप से द्विक्षारीय अम्ल है, कितना है, यह द्विक्षारीय अम्ल होता है। इसमें 100% 2 OH उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये कितना क्षारीय हो गया, द्विक्षारीय हो गया। इसमें पाए जाने वाले फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था का मान +3 होता है। बहुत सिंपल है, याद रखना। डाई फास्फोरिक अम्ल का आपसे अणुसूत्र पूछा जाएगा तो आप देखेंगे H4P2O5 पूछा जाएगा। इसमें पाए जाने वाले पूर्ण रूप से इसकी क्षारकता का मान कितना होता है, तो यह द्विक्षारीय अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 OH उपस्थित रहते हैं। इसकी इसमें पाए जाने वाले फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था का मान कितना होता है, +3। इसकी पूर्ण रूप से ऑक्सीजन अवस्था इसके अंतर्गत फास्फोरस के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करती है। जो डाइफास्फोरिक होगा, डाइफास्फोरिक अम्ल के अंतर्गत जो ऑक्सीजन अवस्था फास्फोरस की +3 होगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखिए जल्दी से देख लें, फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल श्रेणी की ऑक्सी या ऑक्सोन। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं फास्फोरिक अम्ल या आर्थो फास्फोरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। अणुसूत्र याद रखना है H3PO4 होता है, एक त्रिक्षारीय अम्ल है। तो देखो इसमें कितने OH उपस्थित है, 3 OH उपस्थित है, इसलिए इसको हम त्रिक्षारीय अम्ल कहेंगे। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना होता है, +5 होता है। इसमें देखिए कोई भी आपको H उपस्थित नहीं है, अर्थात आर्थो फास्फोरिक अम्ल जो है वो अपचायक की भांति कार्य नहीं करता। हमने पहले बताया कि फास्फोरस के साथ पूर्ण रूप से H उपस्थित रहेगा सिंगल बॉन्ड में, अगर H उपस्थित है तो अपचायक प्रकृति को फास्फोरस प्रकृति अपचायक प्रकृति को फास्फोरस जो है प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। अगर पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर में अगर H उपस्थित नहीं है तो वह पूर्ण रूप से पाए जाने वाले अपचायक प्रकृति को प्रदर्शित करने का कार्य नहीं करता है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लो भैया, कुछ और टॉपिक्स। चलिए अगले टॉपिक पे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मेटाफास्फोरिक अम्ल, अणुसूत्र होता है HPO3 या एक क्षारीय अम्ल होता है, क्योंकि इसमें एक OH उपस्थित रहने का कार्य करेगा। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान पूर्ण रूप से कितना होता है, +5 होता है। बात याद रखना है, मेटाफास्फोरिक अम्ल जो होता है ये कभी भी सिंगल स्वरूप में नहीं पाया जाता, ये बहुलक के रूप में चक्रीय अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पूर्ण रूप से दिखाई देने का क्या करती है, कार्य करती है। इसको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए अगला टॉपिक, अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो आता है पायरो फास्फोरिक अम्ल, इसका अणुसूत्र जो होता है H4P2O7 होता है, एक चतुर क्षारीय अम्ल है। कितने OH उपस्थित है,
या चार OH उपस्थित है, तो इसकी पाई जाने वाली क्षारकता का मान कितना हो जाएगा चार। फास्फोरस की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है प्लस के पांच होती है। इस प्रकार इसकी संरचना जो होती है बनने का कार्य करती है। अगले टॉपिक पे आओ, अगला है हाइपोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला अणुसूत्र होता है H4P2O6। एक चतुर्क्षारीय अम्ल है, एक OH, दो OH, तीन OH और चार OH, तो कितने क्षारीय हो गया चार OH है, तो चतुर्क्षारीय हो गया। देखो H उपस्थित नहीं होगी, अपचाय की भांति प्रमुख रूप से कार्य नहीं करेगा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान प्रमुख रूप से कितना होता है प्लस के चार होता है। अगला आ जाइए पर ऑक्सी मोनोफास्फोरिक अम्ल जो है, इसका अणुसूत्र होता है S3PO5। यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना होता है प्लस के पांच। देखो चतुर्क्षारीय क्यों कह रहे हैं, इसमें चार OH उपस्थित है, सॉरी त्रिक्षारीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से तीन OH आयन उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, इसलिए त्रिक्षारीय अम्ल के अंतर्गत आने का कार्य करेगा। लास्ट देख लीजिए, लास्ट ये हमारा अंतिम है फास्फोरस के अंतर्गत पाए जाने वाले अम्लों में। टॉपिक है पर ऑक्सी डाइफास्फोरिक अम्ल किसे कहते हैं, फॉर्मूला होता है H4P2O8। इसमें पाए जाने वाले फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना होता है पांच। देखो भैया ये कितने क्षारीय है गिनती कर लो जरा, एक दो तीन चार, जितने OH उतनी पाई जाने वाली क्षारकता, तो ये चतुर्क्षारीय प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्ल के रूप में क्या किया जाएगा जाना जाएगा। इसमें पाए जाने वाले फास्फोरस की प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण अवस्था का मान ये होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्लस के पांच होता है। फॉर्मूला क्या होता है H4P2O8, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाली इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से ये टॉपिक आज हमारा नाइट्रोजन परिवार जो होता है ना वह पूरा होता है। नाइट्रोजन परिवार संबंधित सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है पी ब्लॉक में, केवल एक टॉपिक पढ़ना है H2SO4 के निर्माण की विधियों के बारे में, उसकी औद्योगिक विधियों के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में, भौतिक गुण के बारे में और उपयोग। इस प्रकार से पी ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। और छोटा सा चैप्टर कर दिया है इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है 100% 16-17 नंबर का आने वाला ये चैप्टर है। तो सारे बच्चों से मैं ये अपील करूंगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको दम लगा के पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है और ये सारी चीजों की छोटी छोटी चीजों को हमें याद करने का कार्य करना है। इसी आशा के साथ मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ने का कार्य करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।